कढ़ाई का काम करने से डस्ट उड़ती है और वो सीधी मुंह से होकर फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों में जम जाती है और जिससे ये सिलिकोसिस बीमारी होती है। तो इसके बारे में मैं जो समस्या आ रही है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो जो समस्या है, जो सिलिकोसिस में सबसे अभी तत्काल में कि 16 से ये सिलिकोसिस वाला शुरू हुआ है, तो जो 2016 में जो सर्टिफिकेट बने थे वो ऑफलाइन सर्टिफिकेट थे, तो 18-19 के बाद सरकार ने ऑनलाइन किए, तो वो 19 के बाद वाले सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन है और उससे पहले वाले 16 से 18 के बीच वाले हैं जो ऑफलाइन है। तो सरकार कह रही थी कि हम सबको ऑनलाइन करेंगे, लेकिन अभी हमने फरियाद दी लेकिन अभी तक कोई सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं किया है। दूसरी समस्या है जो सिलिकोसिस पोर्टल में, जो अपने ये नया सिलिकोसिस पोर्टल बना है उसमें जांच की व्यवस्था नहीं है और हर जिले पे कहीं जांच की व्यवस्था है ही नहीं है। वो जा रहे हैं जांच के लिए तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमारी आईडी मैपिंग नहीं है हमारे पास, हमारे को ये नए पोर्टल की जानकारी नहीं है कि किस तरह से एक्सरे अपलोड करना है, तो हम कैसे करें, तो ये नहीं है। दूसरा है जो सिलिकोसिस में जो जो बड़ा भाग वाले सर्टिफिकेट है, सिलिकोसिस प्रमाण पत्र मिला और कई सारों को अभी तक पैसा नहीं दिया, तो ऐसी हमारे तो युवा बहनें भी हमारे साथ आई हुई है, बहुत सारी बहनें हैं, तो एक बार बहनें आ जाए, रामी भाई एक बार खड़ी हो जाइए, युवा बहनें हैं जो बहुत कम उम्र में ये बहनें हैं जो, और इनका अभी तक एक भी रुपया नहीं आया। चारों आ जाओ, चारों नसी भाई, ये बात आपको समझनी है। ये जो बहन आके खड़ी हुई ना, आओ तो सही, कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। पति की मृत्यु कब हुई? पति को गुजरे हुए कितने टाइम हुए? 3 साल पहले। पति कहीं काम करे, कहीं काम करे? पत्थर कढ़ाई। और गुजरे में कितना टाइम हो गया? 3 साल। 3 साल। बच्चे कितने हैं? 5। इस बच्ची को देखो आप, 5 बच्चे हैं। पति 3 साल पहले मर गया, और क्यों मरा? पत्थर कढ़ाई में। ये जो पत्थर को खिसते हैं, मकान बनाते हैं, आप और हम सब दोषी है, क्योंकि ये इनके पति जो काम करते हैं उससे हमारा मकान भी बनता है। मेरे आप गुंबद बनाते हैं, छतरी बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, उनके पतियों को ये ऐसे इनके पति काम कर रहे थे, पत्थर कढ़ाई की वजह से बीमारी होती है, इसको सिलिकोसिस कहते हैं, उसका इलाज नहीं है, मौत है, इलाज भी नहीं है। और ऐसे राजस्थान में 35,000 लोग हैं जो खानों में काम करते हैं, इनके ये दुर्भाग्य क्या है कि जो काम करते हैं उससे जल्दी होती है बीमारी, ये ब्रुश से घुमाते हैं इसके ऊपर। तो अब आप सोच सकते हो कि क्या उम्र है इसकी, 5 बच्चों को छोड़ के गया, ये कैसे पालेगी? सरकार ने कहा कि ऐसा हो जाएगा तो हम उनको आपको पैसा देंगे। किस बात का पैसा देंगे? कि आपके सिलिकोसिस की बीमारी होगी तो 3 लाख रुपए देंगे, और अगर जिंदा नहीं रहे मर जाएंगे तो 2 लाख घर वालों को देंगे। इनको आज तक वो पैसा, मैं पूछता हूँ, मुझे मालूम नहीं मिला कि नहीं मिला, आपको उसमें से कुछ पैसा मिला? नहीं मिला। पहले जिंदा थे तब मिला? नहीं। उसके बाद में? नहीं मिला। अब ये एक बार नहीं आई है। इसको मैं पहले मिला जवान तो यात्रा में मिला, हर बार जब ऐसा कोई धरना आंदोलन होता है ये आती है और कहती है कि मुझे आज तक एक पैसा नहीं मिला। और ये पास में बैठा सचिवालय का, ये बड़ी बड़ी तनख्वाह लेने वाले यहाँ बैठते हैं, इनका काम है फर्जी पैसा नहीं ले रही है। इसके हाथ में इसके पति का वो सर्टिफिकेट है जो उसमें काम करता था, तो आप सोच सकते हो इनकी उम्र देखो आप। तुम्हारे पति को 3 साल है।
तीन साल पहले पति सिलिकोसिस से मर गया, चार बच्चे हैं, और हम सरकार से बार बार कहते हैं कि आप करते नहीं हो काम, नहीं करे तो ठंड इनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, जुर्माना किसके ऊपर होना चाहिए, इन कर्मचारियों पर होना चाहिए ना, वही हम जमानती की बात कर रहे हैं। बस जो शंकर जी ने कहा वही है कि जैसे ये बहन है डूंगरपुर से आई है, इनके पति को बीमारी थी, प्रमाण पत्र दिया, जीते जी सरकार ने मदद नहीं की, नियम है कि आप महीने में 15 दिन में ये पैसा इनके खाते में पहुंचाएंगे, जीते जी ये पैसा नहीं पहुंचाया और इनके आवेदन को खारिज कर दिया। मरने के बाद इनके वो उसके अंदर कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम लगाया कि ये मृत्यु सहायता का आवेदन भी नहीं कर पा रही है। इनकी उम्र मात्र 26 साल है, 2 बच्चे हैं इनके सामने यहाँ पे आकर के, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? ये काम नहीं करने वालों की तनख्वाह तो बराबर चालू थी। जिन भाइयों ने, एक उदाहरण और मैं बताना चाहूंगा कि ये भाई है, इन भाई को बीमारी हुई, इन भाई को इनके मालिक ने, सालों से ये काम कर रहे थे, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनके मालिक ने इनको काम से निकाल दिया कि तुमको बीमारी हो गई कल से काम पे मत आना, ठीक है, मालिक ने भेज दिया। अब जिसको मालिक बिना नियम के अनुसार कायदा ये कहता है कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए था, उस मालिक को इनको क्षतिपूर्ति देनी चाहिए थी और फिर इनको घर पे पेंशन देकर के बिठाना चाहिए था, मालिक ने कहा कल से मत आना, तो ये मजदूर अपनी फरियाद लेके श्रम विभाग में गया, लेबर डिपार्टमेंट में, और इसने एक फरियाद दी 2 साल पहले कि मेरे को मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया है। विभाग का काम होता है वो मालिक से बात करे, या तो इसको वापस काम पे लगवाए, नहीं तो इसको मुआवजा दिलवाए, और अगर ये दोनों काम वो नहीं कर पाते 45 दिन में, तो इनको एक लिख के कागज दे कि आपका ये काम नहीं हो पाया, मालिक से समझौता नहीं हो पाया, ये कागज आपको दिया जाता है, जिससे ये आदमी जाके कोर्ट में अपनी फरियाद लगा सके, कानूनी हक के लिए लड़ सके। 2 साल पहले इसने श्रम विभाग में मालिक के निकाल देने की फरियाद लगाई थी, कानून कहता है कि 45 दिन में इसको काम करके देना था विभाग को, आज तक 2 साल में विभाग ने काम नहीं किया, 3 बार इसने अर्जी कर दी यहाँ पे आकर के, तो क्यों जवाबदेही जरूरी है? आज ये अपने अधिकार के लिए कोर्ट में भी नहीं जा सकता, इसको घुमाए जा रहे हैं। यही नहीं, इस जैसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी ये लिस्टें हैं, वो लोग लगातार अपने हक और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जवाबदेही कानून बहुत जरूरी है हमारे लिए। आपको लगता है कि इस तरह की चीजों के लिए उनकी जवाब और तनख्वाह मिल रही है? इनका काम तो नहीं हो रहा है ना, ये तो दर दर भटक रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, वहां जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं ये लोग यहाँ पे, तो जवाबदेही कानून चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ, किसके लिए चाहिए? हमारे लिए, सबके लिए, जो काम कर रहे हैं, जो खानों में काम कर रहे हैं, पत्थर कढ़ाई में काम कर रहे हैं, जवाबदेही कानून उनके लिए चाहिए। तो काम करने वालों को क्या चाहिए? तो किसका सवाल है ये कानून? काम करने वालों का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो, काम करने वालों का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो, काम करने वालों का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो, हर बीमार का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो, हर बीमार का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो, हर मरे हुए का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो, हर मरे हुए का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। आज ये मर गए लेकिन इनका भी सवाल है, जब तक इनका काम नहीं होगा इनके सवाल भी है। धन्यवाद। तो अभी इनके साथ साथ एक ऐसे है जो भाई है, ये सिलिकोसिस पीड़ित था और सरकार को इनके यहाँ पैसे जमा करवाने थे इनके खाते में, लेकिन सभी डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद भी इनके ई मित्र वाले या किसी ने, दलाल ने दूसरे के खाते में ही जमा कर दिया और इनको 1 रुपया नहीं मिला। इनको मिलना था सर्टिफिकेट, सब इनका है, इनको नहीं मिलना था, और दूसरे दलाल ने पीछे 3 लाख उठा के ले लिए, इसको मिलने थे वो दूसरे ने उठा के ले लिए, और इनकी हमने जांच की तो वो हनुमान सैनी करके बता रहा है, और ये 4 जनवरी को उनके खाते में गए हैं, और इनकी भी फरियाद हमने दी है लेकिन अभी कोई हुआ नहीं है। और ऐसे हमारे बहुत सारे केस हैं, हमने यहाँ सचिवालय में और हर जगह दिए हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। तो
जवाबदेही कानून इसलिए जरूरी है। तो जवाबदेही कानून पास करो, जवाबदेही कानून पास करो, जवाबदेही कानून पास करो। पास तो तुमको करना होगा, पास तो तुमको करना होगा, पास तो तुमको करना होगा। आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद।